हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी 21 डे का कर्फ्यू ऑन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है उसकी। आई होप सब आप अच्छे से रहोगे, घर में ही कुछ ना कुछ काम करोगे, इन्वॉल्व रहोगे, इंडल्ज रहोगे। तो जो घर पे वो कुछ क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। अब क्योंकि कर्फ्यू चालू हो गया है, अप्रैल 15 तक तो भूल जाइए 10th वाले कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम होगी। फिर टाइम टेबल आएगा, अपडेट दिया जाएगा, तो अप्रैल एंडिंग तक या मई तक एग्ज़ाम 10th की जा सकती है। तो आप पेशेंट रहिए, ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। या ये भी हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द चांसेस दैट इज़ पॉसिबल। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये भी हो सकता है कि आपके जो हिस्ट्री के मार्क्स हैं उसका एवरेज निकाल करके आपको ज्योग्राफी में दे दें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं हुई तो सिचुएशन बिगड़ी। तो लेट्स प्रे सिचुएशन ना बिगड़े, लेट्स होप, लेट्स बी पॉजिटिव। लेकिन अगर बिगड़ी तो शायद एवरेज कर दे, शायद ओवरऑल मार्क्स जो है वो दे दे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, बट आपको अब ओवर थिंक नहीं करना है, आपको खुश रहना है एकदम। आपको अब ये टाइम फैमिली का टाइम स्पेंड करना है, नए नए स्किल्स सीखना है, यूट्यूब पे या ऑनलाइन या कुछ कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है, सीखनी है। क्लास 9th और 11th के बच्चे मोस्ट कॉलेजेस, कुछ कॉलेज तो डिक्लेयर भी कर रहे हैं क्लास 11th के एग्ज़ाम नहीं होगी, डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है शायद क्लास 9 के एग्ज़ाम भी ना हो, ये मेरे विचार हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्ची है, या अगर सिचुएशन जल्दी सुधर गई तो एग्ज़ाम हो भी, लेकिन अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो एग्ज़ाम 9th की कैंसिल हो सकती है और डायरेक्ट 10th में प्रमोट किया जा सकता है। अच्छे बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, जो बच्चे एवरेज मार्क्स ला रहे हैं वो भी प्रमोट हो जाएंगे। चिंता यहाँ पर यह है कि प्रमोशन का पैटर्न क्या होगा, किस बच्चों को प्रमोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो भी अपडेट आपको स्कूल देता रहेगा। बट फिलहाल जो आसार नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी दूर दूर तक, तो 15-20 दिन तो एग्ज़ाम के बारे में आप भूल जाइए बिल्कुल भी कि अपडेट आएगा, कुछ नया चीज़ आएगी, कुछ नहीं आने वाला अब तक। बट इतना मैं कहूँगा, घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, नए नए एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहिए। मैं बहुत जल्दी वीडियोस डालूंगा क्लास 11, 12 के, 9, 10 के, बहुत सारी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए क्या टॉपिक आपको चाहिए, कैसे चाहिए। सो एग्जामिनेशन का मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब तक कुछ प्रिपेयर नहीं रहता, कुछ कह नहीं सकते। 9th 11th की कैंसिल हो सकती है, 10th का बोर्ड्स का क्योंकि है तो एक पेपर बाकी है महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का, तो शायद कुछ हो। और CBSE के बच्चे की 12th की थी जो कंप्यूटर साइंस वगैरह नॉर्मल नॉर्मल एग्ज़ाम बाकी थी, वो भी थोड़े से बच्चे अब चिंता में है कैसे क्या होगा। तो जो अपडेट होगा आगे मैं आपको बताते जाऊंगा, बट फिलहाल कोई भी अपडेट ऐसा एज सच एग्जाम को लेके नहीं है। थैंक यू सो मच।